अंग्रेजों ने एक हमारे नेताओं ने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, अंग्रेजों से एक चीज अभी तक इनके डीएनए में घुस गया है, डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट। इनसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। हर चुनाव में कभी ये जाति के आधार पर वोट को बांटेंगे, लोगों को बांटेंगे, कभी सेक्टर, कभी रीजन, कभी किसी। आप साउथ इंडिया को देखिए, पूरी राजनीति वहां पे द्रविड़ियन वर्सेस अदर्स की चलती है, हिंदी वर्सेस अदर्स की चलती है। इनके पास कोई इंटेलेक्चुअल मुद्दा है ही नहीं जो इन चीजों को छोड़ के किसी और की बात करें। और राजनीति को आप भूल जाइए, राजनेताओं का छोटा सा स्वार्थ जरूर इससे उनका जो है सिद्ध हो जाएगा, लेकिन देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें ऐसे राजनीति से बचना चाहिए। जी नमस्कार, मैं हूं कुमार साहिल और आप देख रहे हैं नैतिक न्यूज। बर्तोल्ट ब्रेख्ट कहते थे कि एक घाटी पाट दी गई है और एक खाई गहरी कर दी गई। दरअसल जो जिस तरह के हालात हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं वो वाकई चिंताजनक है। क्या देश हिंदुस्तान की जो अवधारणा है वो टुकड़ों में बट के रह गई है? हम इस मसले पे बात करेंगे कि आखिरकार हिंदी पट्टी वाले लोगों को गुजरात में निशाना क्यों बनाया जा रहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, हम स्वागत करते हैं दीपक शर्मा जी के, आप आरएसएस विचारक हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। हम स्वागत कर रहे हैं अखिलेश मिश्रा जी का, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है नैतिक न्यूज पे। थैंक यू साहिल, थैंक यू। और हम स्वागत करते हैं स्वतंत्र पत्रकार हैं, साथी पत्रकार हैं ऋषि मिश्रा जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू जी। सबसे पहला सवाल अखिलेश मिश्रा जी, जी कि आखिर जो गुजरात में जो घटनाएं घट रही है, घटनाएं कहीं भी होती है, लेकिन क्या एक पीड़ित के कारण पूरे समाज को, पूरे समुदाय को हम टारगेट कर सकते हैं और ये कितना सही है? नहीं, ऐसा कभी भी हमारी एक हमारे समाज में और जो हमारे जो मूलभूत सिद्धांत हैं आप हजारों साल से देखिए, ऐसा कभी भी नहीं रहा है। ऐसे हजारों उदाहरण पड़े हैं जबकि इस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। देखिए यहाँ पे है क्या, ये पॉलिटिशियंस जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपने निहित स्वार्थ के लिए और बहुत तेज़ी से ग्रो करने के लिए ये सारे ऐसे काम करते हैं। समाज के वो मूलभूत सिद्धांत। सर ये पॉलिटिशियंस कौन है, इनके नाम तो होंगे? नहीं देखिए, नाम अभी ये जांच का विषय है। मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या किसी आदमी का मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता। सर अल्पेश ठाकुर जो कांग्रेस के नेता हैं अभी चुन के आए हैं। नहीं नहीं ठीक है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं मैं मानता हूँ, क्योंकि जो तटस्थ है वह अभी पाप का भागी है, दिनकर कहते थे, लेकिन जो दिख रहा है उस पर सवाल कौन उठाएगा? नहीं पाप के भागी तो इसमें देखिए मैं केवल ये नहीं है कि जिन्होंने इनिशिएट किया, जो चुप बैठे हैं वो भी बराबर पाप के भागी हैं, जो कर रहे हैं वो भी बराबर पाप के भागी हैं। सवाल यहाँ पे साहिल देखिए समझने वाली ये चीज है, जैसे लोग इसको दिखा ये रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, मैं बोलता हूँ ये प्लांटेड है और इसके पीछे लॉजिक है। क्या इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी हैं? नहीं, कौन है कौन नहीं है ये बाद में डिबेट करेंगे। सवाल तो पूछा जाएगा ना, इतिहास पूछेगा आपसे। देखिए अब कांग्रेस वाले बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी की पार्टी बोलेगी कांग्रेस वाले हैं, कोई और बोलेंगे, कोई और किसी पार्टी के लिए बोलेंगे। अखिलेश मिश्रा जी एक सवाल बीच में रोक रहा हूँ आपको, क्या हिंदुस्तान में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, गुजरात से एक वीडियो आई है, उस वीडियो में दिख रहा है कि जिस तरह से आजादी के वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और उस तरह से लोगों के मन में खौफ था, हिंसा हो रही थी, कुछ ऐसा ही तो नहीं चल रहा, देश टुकड़ों में बंटने को मजबूर तो नहीं है? साहिल कॉन्सेप्ट वही है, मैं बोलता हूँ कि फिजिकली तौर पे अगर देखा जाए, जियोग्राफिकल बाउंड्री के तौर पे देखा जाए तो हो सकता है देश टुकड़ों पे ना बटे, लेकिन विचारधारा के रूप में देखा जाए तो देश तो टुकड़ों में बट गया ना, गुजराती वर्सेज नॉर्थ इंडियन हो गया। इसके कुछ दिन पहले पता चला कि मराठी वर्सेज नॉर्थ इंडियन होता था, बंगाल में बंगाली वर्सेज कुछ और होता था। हमारे देश का कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे देश का कॉन्सेप्ट हर बार शिकार हिंदी पट्टी क्यों? नहीं, हर बार शिकार हिंदी पट्टी इसलिए होता है क्योंकि हिंदी बेल्ट में लोग ज्यादा हैं, मजदूर ज्यादा हैं, और दूसरे स्टेट में अगर आप देखोगे गुजरात और महाराष्ट्र वगैरह में तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा है, तो डेफिनेटली एक पॉपुलेशन का माइग्रेशन होता है जॉब के लिए। तो नॉर्थ इंडिया के लोग जो हैं वो डिफरेंट स्टेट में गए हुए हैं, जॉब के पर्पज से जाते हैं और एक परंपरा है वहां, आप देखेंगे उनके खानदान में कि अगर बाप गया है तो उसके बाद बेटा भी वहीं जाता है क्योंकि वो बहुत सुलभ होता है वहां पे नौकरी लेने के लिए। तो जो वहां पे माइग्रेटेड है वो नेचुरली कुछ ना कुछ कमजोर होता है, एक तो लैंग्वेज का बैरियर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी जनसंख्या भी कम होती है। अब हिट किसको करेंगे? खलनायक कौन है मिश्रा जी, खलनायक कौन है?
नहीं, खलनायक यहाँ पे तो ऐसी विचारधारा के लोग हैं, वो चाहे अल्पेश, आखिर वो कौन है सर, कौन है वो ऐसी विचार, अभी अल्पेश ठाकुर दिख रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे हैं। केवल मैं केवल अल्पेश ठाकुर की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्पेश ठाकुर तो फ्रंट पे लीड कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो पीछे विजय रूपाणी है, पीछे विजय रूपाणी है, पीछे विजय रूपाणी है। इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी है, जो जिसने स्क्रिप्ट लिखी है, जो थिंक टैंक है इन सब चीजों के पीछे, असली खलनायक तो वो है जो ऐसी विचारधारा को, कौन है नाम लीजिए ना, नाम लीजिए कौन है, पार्टी है, विजय रूपाणी है, कौन है? नहीं नहीं, बात विजय रूपाणी बोलना पड़ेगा, नहीं मैं आपको बताऊं, बात विजय रूपाणी बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, तो किसकी है साहब? मैं यहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बोलता हूं, उसके पीछे लॉजिक है। भारत का जब बंटवारा हुआ था तो वहां पे भी एक दो पॉलिटिकल पार्टी थी, दोनों अपनी जीत पे अड़ गए, कोई भी नहीं, अरे साहब रहीम ने गलती की तो कल्लू के बेटों को थोड़ी सजा सुनाओगे आप? आपको तो बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो ये बार बार इस तरह की चीजें कर रहे हैं। सारे पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, फायदा तो इसमें केवल पॉलिटिकल पार्टी को होगा। मैं दीपक जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र, नागपुर और गुजरात, अभी जो तमाम बड़े लीडर्स जो आते हैं वो आपके महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, खुद प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री बड़े दावे, बड़े विकास करते थे, बड़ी बातें करते थे, गुजरात ऐसा है, गुजरात वैसा है, आपके गुजरात का भांडा फूट कैसे गया, क्या हो गया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश से आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से चुनकर आते हैं, इसलिए हमले करवा रहे हैं आप? हमले किसी नेता ने करा, यही तो अन्याय है। ये क्या है? ये कहीं उत्तर प्रदेश वालों पे हो रहा है। ये अपना ये भीड़ तंत्र के ऊपर हो रहा है। ये गलत, एक बात बताइए मुझे कि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी उसके पहले, ठीक पहले नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में कई सभाएं की, अमित शाह भी गए, उसके बाद क्या हुआ कि महागठबंधन जीत के आई, जदयू राजद की सरकार बनी, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट था कि डीएनए में, बिहारियों के डीएनए में कोई ना कोई खामी है, कहीं ना कहीं वो खींच तो नहीं है कि नहीं, चलो, इस तरह से है। मैं जिसने भी ये बोला है मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, आप बिहार को अगर निकाल दीजिए ना देश से, जरा प्रधानमंत्री जी को आप बताइए हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बिहार से लिया गया है। अरे प्रधानमंत्री जी उन्हीं के साथ अभी सत्ता में हैं। बात को कंप्लीट करने दीजिए, गठबंधन में भारत में अशोक महान, किस राजा को महान बोला जाता है? वो आपको अशोक को बोला जाता है, किसी और से नहीं। बिहार का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पता नहीं है क्या कि देश में कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, हजारों साल से कॉन्ट्रीब्यूशन है। सीता माता भी आप देखेंगे तो बिहार से आते हैं, जो भारत की सभ्यता के जो पिलर है ना, वो आप प्रथम राष्ट्रपति हमारे बिहार के थे, अब आप क्या बोलेंगे, संविधान बनते समय वो थे वहां पे। तो बिहारी, बिहार और बिहार के लोगों का नालंदा विश्वविद्यालय, मैं बोलता हूं अखिलेश तो कहीं खीज है क्या नरेंद्र मोदी जी को? ये खीज तो नहीं है कि बिहारियों ने वोट नहीं दिया था, बोले डीएनए में खराबी है, खीज बोलिए, संकुचित मानसिकता बोलिए, जब अपनी पराजय होती है। आपकी पराजय इसलिए हुई क्योंकि आप बिहार को समझ नहीं पाए, वहां के वोटरों को आप समझ नहीं पाए, तो ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि बिहारियों के डीएनए में खराबी है। मैं बोलता हूँ भारत, मैं तो सारे स्टेट को घुमा रहा हूँ, हर स्टेट के डीएनए में कोई ना कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो अपने देश को महान बनाता है। पूरी बात। हाँ ऋषि जी क्या कर रहे हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री की आप आलोचना करते हैं इस चीज के लिए जो उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कहा था? नहीं, तो उन्होंने कहा था कि नीतीश के डीएनए में खराबी है, क्या प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट को बिल्कुल आलोचना करूंगा? मैं बोलूंगा कि आप प्रधानमंत्री हो चाहे गली के नेता हो, पर्सनल आपको बोलने का क्या अधिकार है? नीतीश का डीएनए भी एक भारतीय डीएनए है, वो विदेशी डीएनए अंग्रेजों का नहीं है। अगर आपने नीतीश के डीएनए या किसी विपक्ष या पक्ष के नेता के डीएनए की बात की है तो इसका मतलब है आप अपने पूर्वजों के डीएनए को खराब बता रहे हो, तो इसमें तो शर्म आनी चाहिए आपको। नरेंद्र मोदी जी को एक नेता के तौर पे, एक प्रधान सेवक के तौर पे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, उनको शर्म आनी चाहिए थी। दीपक जी क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री शर्मसार कर रहे हैं हिंदुस्तान को? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात का एक बड़ा अटूट सा रिश्ता है जी। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से चल करके गुजरात पहुंचते हैं और नगरी बसाते हैं, और यदि माता सीता बिहार से होती हैं तो प्रभु श्री राम उत्तर प्रदेश से होते हैं, ऐसा अटूट रिश्ता, ऐसा पवित्र रिश्ता। तो क्या नरेंद्र मोदी जी के इस बयान से हिंदुस्तान शर्मसार हो गया? सवाल यह है क्योंकि उन्होंने बिहारी पे सवाल उठाया, किसी जाति पे, किसी स्टेट पे, तो मतलब कि बिहार को शर्मसार और देश को शर्मसार करने का काम किया है, सीधा स्पष्ट बताएंगे? बिहार देश के लिए बहुत से आईएएस दे रहा है, बहुत सी प्रतिभाएं दे रहा है जी, ऊपर से लेकर नीचे तक कर्मचारी दे रहा है, बहुत अच्छे। तो प्रधानमंत्री का यह बयान कैसा है?
नहीं तो आपकी सरकार उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करती है बिहार के कॉन्ट्रीब्यूशन को? नहीं सरकार रिकॉग्नाइज करती है तो फिर ऐसे, ऐसे आप देखिए देखिए दीपक जी की चलाना दीपक जी की मजबूरी है, संघ को डिफेंड कर रहे हैं दीपक जी की मजबूरी है। देखिए राजनीति पॉलिटिकल पार्टियों का ये एजेंडा होता है, अपने सुविधा के अनुसार से फॉर्मूला गढ़ लेते हैं। कभी नीतीश के डीएनए में खराबी लगती है, आप उनके डीएनए सबसे अच्छे लगते हैं तो वहाँ अभी गठबंधन में सरकार में है। दीपक जी एक सवाल और है जो सोशल मीडिया पे बराबर तैरता रहता है कि जितने गुनहगार है जितने करप्ट है वो वॉशिंग मशीन है बीजेपी, इधर से डालिए उधर से पाप मुक्त होकर निकलेगी, क्या है? देखिए सबकी अपनी अपनी विचारधारा है जी, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, मैं भी कह सकता हूँ और मैं कहता। अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए कि संघ हर एक क्लैमिटी में नेचुरल क्लैमिटी में जाके खड़ा हो जाते हैं, उनके लोग दिखते हैं, ये अच्छी बात है, होनी चाहिए जी। क्या इस मामले में आपको नहीं लगता कि संघ के लोग जाकर डंडा लेके खड़े हो जाते, बोले नहीं बिहारी हमारे भाई आपको खड़ा होना चाहिए? संघ का एक आदमी नहीं दिखे दीपक जी, एक आदमी संघ की जो फिलोसफी है सर, फिलोसफी बाद में बात कीजिएगा, आप पेट पे लात मार रहे हैं। हर एक उत्तर प्रदेश का आदमी, मध्य प्रदेश का आदमी, बिहार का आदमी पीड़ित है, एक एक संघ का आदमी खड़ा नहीं हुआ जाकर के, तो क्या आप पॉलिटिकल एजेंडा को लय देने के लिए, पॉलिटिकल एजेंडा को मूर्त रूप देने के लिए आप काम कर रहे हैं? ये सब संघ का ही नतीजा है क्या? ये सब संघ का ही डिसिप्लिन है कि आज अमित शाह जी ने फटकार लगाई गुजरात के मुख्यमंत्री ऑफिशियली नहीं किया है, अनऑफिशियली। ये अमित शाह जी ने फटकार लगा दी तो जैसे महाभारत का युद्ध जीत लिया, या ये बोलिए कि भारत को विश्वगुरु बना दिया, यार क्या बात आप लोग कर रहे हैं? क्या क्या आप क्या लोगों को वहां से भगा दिया गया? आप क्या चाहते हैं? आप ये बोल रहे हैं अखिलेश जी आप क्या चाहते हैं कि इस भारत में दोबारा दंगे हो? नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ। नहीं आप ये चाहते हैं, आप नीतंत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं? अखिलेश जी आप नीतंत्र का, आप नीतंत्र का अखिलेश जी आप नीतंत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं? आप नीतंत्र के पूरा करने दीजिए, आप घटना के पहले आपके दोनों जगह सरकार है, घटना के पहले आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? आप बताइए, हो जाने के बाद दीपक जी अखिलेश जी आप विपक्ष की भाषा बोल करके भीड़ तंत्र को उकसाना चाहते हैं? नहीं मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। दीपक जी आप धमकी दे रहे हैं, दीपक जी आप धमकी दे रहे हैं, अखिलेश जी कृपया अखिलेश आप धमकी दे रहे हैं दीपक जी? नहीं नहीं आप जो है देश की जनता के सामने आप धमकी दे रहे हैं कि जनता कराना चाहते हैं? बुद्धिजीवी नहीं आप धमकी दे रहे हैं? नहीं ये तो संभव नहीं, धमकी दे रहे हैं का काम केवल आरएसएस का है और कोई जवाब देने दीजिए। ऋषि जी आप बताइए क्या ठीक है? मैं चाहूंगा कि दीपक जी ईमानदारी से बताएं कि जब सामने 2019 का चुनाव है तो किस मुंह से नरेंद्र मोदी बनारस जाएंगे? आप बोल रहे हैं दंगे, क्या दंगा थ्योरी से आप चुनाव जीतते हैं? देखिए साहब ऐसा है साहिल जी कि हम विकास के, मोदी जी जब जाएंगे तो विकास के लक्ष्य को लेकर के जाएंगे। आपका गोधरा और 2000 2000 सवाल उठे हैं, गोधरा भी देखा है सर? नहीं सवाल तो सभी की कार्यशैली पर उठते हैं। हाँ, और दंगा थ्योरी से काम नहीं होगा, आप जान लीजिए। सवाल तो सभी की कार्यशैली पर उठते हैं जी। नहीं नहीं वो सवाल आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने ही उठाया था और उन्होंने बोला था कि आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए, इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण है। प्रेस मीडिया या हम उठाते तो चलो जी हम ईर्ष्यावश उठा रहे हैं या विपक्ष में है जो आपने बोला, उस वक्त जो आपके प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बोला था, टीवी पे एक खबर हुआ था कि मैं समझता हूँ मोदी जी आपको राजधर्म निभाना चाहिए। अब आप क्या बोलेंगे इसमें ये? हाँ, बहुत अच्छी बात है कि एक संगठन का बड़ा बुजुर्ग अपने छोटे को ये बता रहा है कि आपको ये, यानी मजबूर थे अटल बिहारी वाजपेयी? नहीं ये मजबूरी कहाँ है, इसमें मजबूरी कहाँ है? फेल्योर थी कि नहीं? ये निर्देश तो उन्होंने बोला, वो खुश नहीं थे उस परफॉर्मेंस से। मिश्रा जी आप कोर्ट को मानते हैं कि नहीं? कोर्ट को मोदी को दोषी नहीं माना है, आप कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप भारत की जुडिशरी से चलेंगे ना? आप नहीं नहीं नैतिकता, आप भारत की जुडिशरी से चलेंगे ना? जुडिशरी ने नरेंद्र मोदी को गुनाह माना है, इसका मतलब आप कोर्ट को नहीं मानते? आपके खुद प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों बोला, इसका मतलब है वो नहीं मानते थे ना? आपके प्रधानमंत्री मानते थे ना कि ये कहीं कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है? वाजपेयी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि राष्ट्रधर्म नरेंद्र मोदी ने अपनाया नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा, आप गलत बोल रहे हैं। वाजपेयी ने ये बोला था कि मैं समझता हूँ इन्हें राजधर्म निभाना चाहिए,
अब आप मुझे ये बताइए, अरे आज के टॉपिक पे बात कीजिए ना। कहा ना आपसे कि कोर्ट ने, आपने कहा अभी, हाँ दीपक जी, कि नैतिकता, आपको लगता है कि कोर्ट नैतिकता के अनुसार काम नहीं करती है? मैंने कोर्ट के लिए ये थोड़ी बोला है, आपने कहा, आपने कहा अभी, नहीं बोला, आप गलत प्रेजेंट करिए, नहीं मैं गलत, मैंने बोला कि अगर नैतिकता के आधार पे देखा जाए तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये क्यों बोला था कि मोदी जी को राजधर्म निभाना चाहिए? आपको लगता है कि कोर्ट में अटल, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछिए ना कि उन्होंने ये क्यों मिश्रा जी, आप कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप कोर्ट को मानते हैं? आप अखिलेश जी, नरेंद्र मोदी जी की सक्रियता की आवश्यकता तब पड़ती साहिल जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री जी ठीक कार्य नहीं कर, नहीं नहीं गुजरात के, गुजरात के मुख्यमंत्री के हिसाब से अभी परफॉर्मेंस सही है, इतना बड़ा दंगा सब कुछ हो गया, देखिए उसको सही बता दीजिए, दंगा क्या है रखने में आप हाफ रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा, मैं सरकार का पक्ष और विपक्ष रखने की बात नहीं कर रहा, नहीं 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 बताइए, ये आपको समझना पड़ेगा कि एक घटना घटित होती है जी, और उससे पहले उसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं जी, फिर वो चार छह आठ इस तरीके से वह एक भीड़ तंत्र का, भीड़ तंत्र क्रिएट हो जाता है आपकी सरकार, और उसका, में और आपकी उसका सरकार विपक्ष में जो है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार हुई है, उसका विपक्ष भीड़ तंत्र को मैनेज करने में चुनाव के टाइम पे वोट लेने में बीजेपी बड़ी आगे है, लेकिन इस तरह की जब दुर्घटना होगी तब ये बोल रहे हैं कि हम भीड़ तंत्र को मैनेज नहीं कर रहे, प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? दीपक जी सीधा सवाल है, दीपक जी 10 दिन के बाद ये चीजें रोकी जाती है, अखिलेश जी का सीधा सवाल है, प्रिवेंटिव क्वेश्चन क्यों नहीं लिया गया, बताइए आप? देखिए वो सरकार का काम है, और दूसरी चीज ये है, आप ही सरकार है, जब जब नहीं नहीं सरकार तो आप ही है, संघ वहां पे भी और सेंटर में भी है, संघ सरकार कहाँ है? अरे सर संघ ने ही तो सरकार, संघ बीजेपी और संघ को आप अलग मानते हो? सरकार बीजेपी के साथ, संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, अरे सामाजिक संगठन वाले लोग, संघ और बीजेपी सामाजिक संगठन वाले लोग आए। अखिलेश जी, चूंकि आप राजनीति को बहुत महीन तरीके से देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? देखिए खामियाजा यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों को उठाना पड़ेगा, उसका रीजन है जी। अगर ये मान लिया जाए कि ये कांग्रेस ने कराया या बीजेपी ने कराया जी, कोई बहुत बड़ा इनको अचीवमेंट होने वाला नहीं है, उसके पीछे सबसे पहला लॉजिक मैं ये दूंगा ना जी, गलत तरीका कितना भी स्ट्रांग क्यों हो वो बहुत स्टेबल नहीं होता है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं, और उसके मतलब परिणाम बड़े भयानक होते हैं लॉन्ग टर्म में, हो सकता है आप चुनाव जीत जाए या हार जाए, कुछ भी हो, पाकिस्तान जब बना था देश का बंटवारा ऐसे ही माहौल में हुआ था, कुछ चीजों को लेके दो विचारधाराएं बन गई, लोग लड़ने लगे मरने लगे, और देखिए अंग्रेजों ने एक, हमारे नेताओं ने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, अंग्रेजों से एक चीज अभी तक इनके डीएनए में घुस गया है, डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट, इनसे बढ़िया कोई नहीं जानता है, हर चुनाव में कभी ये जाति के आधार पर वोट को बांटेंगे, लोगों को बांटेंगे, कभी सेक्टर, कभी रीजन, कभी किसी, आप साउथ इंडिया को देखिए, पूरी राजनीति वहां पे द्रविड़ियन वर्सेस अदर्स की चलती है, हिंदी वर्सेस अदर्स की चलती है, इनके पास कोई इंटेलेक्चुअल मुद्दा है ही नहीं जो इन चीजों को छोड़ के किसी और की बात करें, और राजनीति को आप भूल जाइए, राजनेताओं का छोटा सा स्वार्थ जरूर इससे उनका जो है सिद्ध हो जाएगा, लेकिन देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमें ऐसे राजनीति से बचना चाहिए। कोई भी अमानवीय घटना होती है तो संघ दिल से दुखी सर, होता है, आप इस मामले देश में दुखी हैं, यदि देश में सर आप इस मामले पर दुखी हैं, यदि देश में सर आप इस मामले पर दुखी हैं, प्राकृतिक आपको लगता है ये गलत हुआ है? दीपक जी आपको लगता है गलत हुआ? कोई भी प्राकृतिक आपदा आपको लगता है ये गलत हुआ है? संघ के दिल पर दुख होता है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मैन मेड प्लांटेड, ये षड्यंत्र है, आप इसको प्राकृतिक आपदा मत बोलिए, आप इसको दुख मानने से भी इनकार कर रहे हैं, क्या वजह है? संघ क्या वजह है? संघ नाराज हो जाएगा आपसे, संघ आप बताइए, आप दुख नहीं मान रहे हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा, यह जो लगता है यह जो घटना घटी है इसका मुझे दुख है, और संघ की विफलता पर भी आपको दुख है? संघ की विफलता कहां है? मैं आपके अरे सर बैठा हूं, वहां जब लोग मारे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, भगाए जा रहे थे, एक संघ का आदमी नहीं दिखे, बाकी तो फोटो वायरल हो जाते हैं आपके, नहीं नहीं फोटो वायरल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, शाखा शाखा संघ है और घर घर संघ है, क्या पता जो दुर्घटना ये घटी है जी, इसमें बहुत सारे दुर्घटना नहीं है साहब, दुर्घटना नहीं, षड्यंत्र है सर, आप इसको दुर्घटना क्यों बोल रहे हैं? दुर्घटना और षड्यंत्र में फर्क होता है, किसी ने भी किया ये षड्यंत्र है, तो षड्यंत्र विपक्ष का हो सकता है, अच्छा कोई भला अपनी सरकार, अच्छा सरकार आपकी लॉ ऑर्डर आपके, कोई भला अपनी लॉ ऑर्डर आपके, कोई भला अपनी सरकार पर, एक बात बताइए आप अखिलेश जी, कि जो ये जो दोषी हैं इन पर किस तरह का एक्शन ले कि लोगों में इकबाल जाए?
नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो पार्टी हैं, जो उनके मेंबर हैं जी, इमीडिएट इनको हमेशा के लिए बर्खास्त करना चाहिए, ताकि देखिए ये क्या है, ऑल दीज आर द पॉलिटिकल क्रोकोडाइल, ये आ करके तालाब में सबको खा डालते हैं, किसी को देश को खा डालते हैं, तो ऐसे लोगों को तो पॉलिटिक्स में एंट्री ही नहीं देनी चाहिए, पार्टी को निकाल देना चाहिए इमीडिएटली। पार्टियां वो करती नहीं है, उनके अपने निहित स्वार्थ होते हैं, कुछ वोट बैंक की राजनीति होती है, कुछ पर्सनल रिलेशन होते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ सबसे बड़ी दुविधा या प्रॉब्लम ये है ना, देखिए कोई मर्डर हो जाएगा उसके बाद पुलिस पहुंचेगी, प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लेती है पार्टियां, गवर्नमेंट या सिस्टम जो भी है, प्रिवेंटिव एक्शन को यहाँ पे जोर देना चाहिए। इंटेलिजेंस होती है, रिपोर्ट्स होती हैं। चलिए अगर आपको नहीं पता है तो इमीडिएट एक्शन आप क्यों नहीं लेते हो? चार दिन छह दिन बीत जाता है, तब मुख्यमंत्री निकलेंगे, तब डीआईजी निकलेंगे, 15 दिन के बाद जब देखेंगे नहीं संभल रहा है, तब प्रधानमंत्री और सारे लोग निकलेंगे। इतने सुस्त और इतने उदासीन आप लोग क्यों रहते हो? इन नेताओं को, इन पॉलिटिकल पार्टी या सिस्टम को हो क्या गया है? इनकी सेंसिटिविटी खत्म कहां हो गई है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैं अखिलेश जी, फाइनल कमेंट, कौन है गुनहगार? साहिल, मैं आपको बताऊं, गुनहगार यहाँ पे सिस्टम का हर एक पार्ट है। मैं अपने आप को भी गुनहगार मानता हूँ, क्योंकि सवाल मुझसे भी पूछा जाना चाहिए, हम भी जिम्मेदार हैं। शासन के ऊपर बैठे हुए लोग जितने हैं, जो लोग ये प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से जो ये सारी चीजों को कर रहे हैं, मैं कहना ये चाहता हूँ कि राजनेताओं को सबक लेना चाहिए कि आपको राजनीति करनी है, गद्दी तक पहुंचना है, तो क्या जनता की या जो बेगुनाह लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके लाश के ऊपर पैर रख करके आप सिंहासन तक पहुंचेंगे? कैसा ये लोकतंत्र है और कैसा आपका सिद्धांत है? बिना वजह के आप लोग ऐसे मुद्दों को क्रिएट करते हैं अपने छोटे मोटे फायदे के लिए, चुनाव जीतने के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए। ऐसे लोगों को, एक तो अल्पेश ठाकुर जैसे हो गए, पार्टी को तुरंत इनको निकालना चाहिए ना, इनको लाइफ लॉन्ग बैन करना चाहिए। आप देश को जो है खंड खंड करके बैठे हुए हैं, जाति में बांट रहे हैं, हजारों लोगों की पूरी मल्टी लेयर यहाँ पे लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। बहुत ही शानदार बात कही है अखिलेश मिश्रा जी ने, कि जो ऐसे लोग हैं उन पर तत्काल राजनीतिक दल कार्रवाई करें, क्योंकि लाश पे पांव रख करके विकास और सियासत की अवधारणा आप पैदा नहीं कर सकते।